रामपुर पुलिस ने वेस्ट बंगाल के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर नाबालिग लड़की को शादी और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। मामला कोतवाली मिलक क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की से पश्चिम बंगाल के एक युवक ने लड़की बनकर फेसबुक पर दोस्ती की और नाबालिग से लड़की बनकर बात करने लगा। बाद में खुद को हिंदू युवक बताकर भी लड़की से बात की, लेकिन नाबालिग लड़की को जब एहसास हुआ कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम युवक है, तो लड़की ने युवक से बात करनी बंद कर दी। लेकिन युवक लड़की के नंबर पर अलग अलग नंबर से कॉल करने लगा और पश्चिम बंगाल से लड़की से मिलने रामपुर आ गया। 3 दिन तक लड़की का युवक ने पीछा किया और उसे परेशान करने लगा, धमकाने लगा कि धर्म परिवर्तन कर शादी करो, नहीं तो जान से मार देगा। लड़की ने पूरी घटना परिजनों को बताई तो परिजनों ने पुलिस से युवक की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक लड़की थी, नाबालिग, 16 साल उम्र है, मिलक क्षेत्र की रहने वाली। तो कुछ समय पहले इसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसने अपना नाम अलीसा बताया, लड़की का नाम बताया, और इनमें मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए गए। फिर जब आपस में बात होने शुरू हुई तो उसे पता चला ये तो लड़का है और मुस्लिम है। तो लड़की थी, उसने मना किया कि जो है इस तरह से प्यार मोहब्बत हमारे बीच नहीं हो सकता, धर्म का मामला है। तो वो लड़का यहीं पर चलाया मिलक में ही, और उसका यहाँ पीछा कर रहा था 3 दिन से। जहाँ भी लड़की जाती कोचिंग में या वहाँ, और उसे डरा धमका रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लड़का वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का रहने वाला है। इसका सुपायुनुल हक नाम है और इसके खिलाफ जो है 356 यानी छेड़छाड़ का मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा, क्योंकि लड़की नाबालिग है, और विधि विरुद्ध धर्मांतरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई जारी। युवक को जेल भेजा जाता है? हाँ, निश्चित रूप से।